दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इस पॉट में एक कप फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें 1.5 टीस्पून शक्कर शामिल कर रही हूँ। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसके बाद इस पॉट को आप मीडियम फ्लेम पर रख दें। इसे आप तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने दें, जब तक उबाल नहीं आ जाता, ताकि हमारी कच्ची हल्दी का स्मेल भी ख़त्म हो जाए और दूध जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं उबाल आ गया है। अब मैं फ्लेम को टर्न ऑफ कर रही हूँ। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पैन में 1 कप पानी लिया है, जिसे मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टी बैग की शामिल कर रही हूँ। ये टी बैग मैंने कार्डमम फ्लेवर का लिया है। अगर आपके पास टी बैग्स अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आप इसकी जगह पर सादी पत्ती को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती जो आपके घर में अवेलेबल है, उसमें आप एक छोटी इलायची डाल दें, फिर फ्लेम बंद करके उस पर 1 लिड डाल दें और इसे 4 से 5 मिनट तक रंगाने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने के बाद आप जब 4-5 मिनट हो जाए तो दोबारा से एक बार इस चाय को गर्म कर लें, ताकि आपकी चाय जो है वो ठंडी ना रहे। जब आप चाय को गर्म कर लें तो आप इससे जो टी बैग है इसे रिमूव कर लें। चाय हमारी अब गर्म हो चुकी है। अब हम साथ ही साथ दोबारा से एक बार जो हमने हल्दी वाला दूध बनाया है उसे भी गर्म कर लेंगे। देख सकते हैं आप, ये दूध भी अब दोबारा से एक बार गर्म हो गया है। अब हम चाय को कप में अच्छे से डालेंगे। इससे पहले हम गर्म दूध को थोड़ा स्पून से इस तरीके से बीट कर लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा झाग आ जाए, ताकि देखने में चाय का लुक थोड़ा अच्छा आए। अब मैं कप में चाय को डाल रही हूँ, फिर हम इसमें दूध को डालेंगे। दूध को डालने के बाद आप इसे एक स्पून की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपकी गर्मा गर्म हल्दी वाली चाय बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं कि ये चाय आपको कैसी लगी।